सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ऑन पेज नंबर 74. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस विद आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन दैट मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 एंड 32 रिस्पेक्टिवली. ओके, अब अपने को यहां पे क्या करना है, कंपेयर करना है आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड कंपेयर करना है किसकी किसकी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, लेकिन हाइड्रोजन अलग टेम्परेचर पे है और ऑक्सीजन अलग टेम्परेचर पे. हम लोग सेम प्रोसीड ऐसे ही करेंगे. T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, तुमने पूरा लिखना है बोर्ड एग्जाम में है, और गिवन इट इज गिवन टू बी 127 डिग्री सेल्सियस, है ना. नाउ रिमेंबर वन थिंग, डिग्री सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस 273 ऐड करके, सो आंसर कम्स आउट टू बी 400 केल्विन. ओके, नाउ T2 इज टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ 27 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा, सो टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 300 केल्विन. ओके, M1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2, गिवन भी है और हमको पता भी है. M2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और वो अगेन पता है और गिवन भी है, 32 है. अब RMS स्पीड कंपेयर करना है. अब RMS स्पीड इज, वी नो दैट RMS स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा, RMS स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाय M0. अब 3 और R तो कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M0, सब रूट के अंदर है. सो देयरफॉर V1 बाय V2 इज इक्वल टू रूट के अंदर लिखेंगे T1 बाय T2 इंटू M2 बाय M1, है ना बेटा. पहले वाले का टेम्परेचर कितना है, 400. दूसरा ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना है, 300. ऑक्सीजन का मोलर मास 32 और हाइड्रोजन का मोलर मास 2, कैंसिल हो गया ये, 216 सा. तो रूट में क्या बचा फिर, V1 बाय V2 इज रूट ऑफ 64 बाय 2. ओके सॉरी, 2 नहीं आएगा नीचे, 3 आ जाएगा. व्हाट इज रूट 64, 8, और ये नीचे रूट 3 वैसा का वैसा, सो आंसर कम्स आउट टू बी 8 बाय रूट 3. ओके,